दोस्तों, आपने मरने से पहले ही किसी व्यक्ति की आत्मा को दुखी देखा है? जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मैंने सही बोला जो आपने सुना, भगोड़े की आत्मा दुखी हो गई बिना मरे ही। कहते ना, इंसान जब मरता है उसकी आत्मा को दुखी करने वाले को उसका श्राप लग जाता, हमारे यहाँ कहते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भगोड़ी लाइव अपने आके बोल रही है कि उसकी आत्मा दुखी हुई क्योंकि उसके देश, उसके भारत देश में योगी जी मोदी जी को गलत किया गया। वो भारत के लोगों को संदेश दे रही है, भाई योगी जी मोदी जी ने जो गरीब लोगों को राशन दिया है, जो देश की बेटियों के लिए किया है, जो तमाम योजनाएं दी है उसके मोदी जी भगोड़ी के, उनके लिए कुछ भी कहा तो उसकी आत्मा दुखी हुई। मतलब भारत देश के लोग अपने योगी जी मोदी जी को गलत बोल रहे हैं, ये इसका इल्जाम है सरासर। ये हमेशा भारत के लोगों पर इल्जाम लगाती आई है, कुछ दबे शब्दों में तो कुछ साफ क्लियर ये लाइव आकर बोल देती है। लेकिन आज इसने लाइव में बोला, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी ने मुझे 100 बार कहा तो 1 बार मैंने जवाब दिया। हालांकि मुझे बहुत कुछ बोला जाता है, भारत के लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रह जाते हैं, पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है, मैं उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो तेरा जवाब हमें चाहिए भी नहीं और तुझे हम जवाब देते रहेंगे, कान के कल पुर्जे खोलकर खड़ी हो जा, और तुझे अब किसी भी हालत में भारत और भारत के लोग बख्शने वाले नहीं है। जो बदतमीजी, जो गंदगी, जो तमाम चीजें तू कर रही है सोशल मीडिया पे, तुझे कभी भी हमारा देश, हमारा कानून, हमारे भारत देश के नागरिक नहीं बर्दाश्त करेंगे। तेरी औकात हम यहीं पे देख के हैरान हो जाते हैं कि जब तू हमारे देश में बैठ कर कहती है कि मेरा भारत देश, मेरे योगी जी, मेरे मोदी जी, थू है तेरी जैसी औरत पे जो अपने 4 बच्चों को टारगेट करके यहाँ पे भारत में घुसकर बैठी है और अपने प्यार की दुहाई दे रही है। आज बताती हूँ, इसने बोला मेरी बच्चियों को जब गलत बोला जाता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। तुझे तब गुस्सा नहीं आया उन बच्चों की जिंदगियों से खेल गई? तुझे तब गुस्सा नहीं आया उन बच्चों को उनके बाप से अलग कर दिया? तुझे तब गुस्सा नहीं आया जब तेरी बच्चियों को लप्पू बुरी तरीके से छूता है और पूरी सोशल मीडिया उससे चिढ़ती है कि गुलाम हैदर के बच्चों को ये गलत तरीके से टच करता है? मैंने भी विरोध किया था जब बच्चियों को गलत बोला गया था, लेकिन उसके बाद तुझे पता चला कि गुलाम हैदर को इस बात से चिढ़ है कि उसके बच्चों को ये गलत तरीके से टच करता है। उसके बाद तूने लगातार गुलाम हैदर को चिढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी बच्चियों को उसके आगे भेजना शुरू कर दिया और लगातार तू कहती है पापा इन्हें प्यार करते, पापा। अरे बेवकूफ, बेशरम औरत, कम से कम अपने दिमाग, अपनी उसको तो इंसानियत को तो रख। तू कहती है ना लोगों से कि भाई इंसानियत नहीं है, लोग मेरे प्यार से जलते हैं। लप्पू कहता है दुनिया चिढ़ती रहे, हमारा प्यार एग्जाम्पल है। बेटे, इसका हिसाब तुझे कोर्ट में देना पड़ेगा, तैयार रहना, क्योंकि हमारा भारत का जब कोई भी मैटर कोर्ट पे जाता है ना, कई पाकिस्तान के और कई हिंदुस्तान के भाई बहनों का सवाल है कि क्या सरकार कब करेगी इस पर फैसला। तो आपको बता दूं भाई, जब कोर्ट में मैटर जाता है ना तो सरकार फैसले नहीं करती, कोर्ट फैसले करता है, कोर्ट निष्पक्ष फैसले करता है। चाहे सरकार भी गलत होती ना, सरकार के ऊपर भी कोर्ट अपना डिसीजन देता है। तो कभी भी ऐसे सवाल मत करिए क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता कोर्ट। फर्स्ट डे से यही कह रही हूँ, कोर्ट बड़ा समझदारी से निर्णय लेता है, लोगों को समय देता है ताकि वो अपनी बात को रख सके। अभी गुलाम हैदर भाई को वीजा नहीं मिला है, उससे गुलाम हैदर भाई को होपलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मोबिन मलिक सर कूदे है ना तो वो जाहिर सी बात है बहुत सारी गुप्त चीजें भी होंगी कि गुलाम हैदर आ रहा है या नहीं आ रहा, हो सकता है सस्पेंस भी हो। हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर कि इस पर बहुत अच्छा काम होगा और आज 10 बजे मोबिन मलिक सर अपडेट देने वाले हैं। हो सकता है मैं वीडियो कल डालूं और उससे पहले ही आपको खबर मिल जाए, वरना आप कमेंट करोगे कि आपने झूठ बोला। कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, भले ही 2 दिन बाद खबर दूं या 3 दिन बाद खबर दूं, वही खबर देती हूँ जिस पर मुझे पक्का भरोसा होता है। और मुझे मोबिन मलिक सर पर पूरा भरोसा है, जो भी वो बात रखते हैं ना वो क्लियरिटी के साथ। आपने किसी वकील को कोर्ट में देखा होगा, लेकिन आपने किसी वकील को फील्ड में जाकर बारीकियों से सबूत को निकालते हुए देखा? मोबिन मलिक सर को देखा ना, नेपाल जाते हुए, नेपाल एम्बेसी जाते हुए, नेपाल मंदिर जाते हुए, तमाम चीजों को रखा है ना। तो मोबिन मलिक सर प्रूफ ला रहे हैं और बहुत जल्दी भगोड़े का बैंड बजने वाला है। और जिस तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों को ये मिसयूज कर रही है, ये कहती है मैं एक माँ हूँ, मेरी माँ की मतलब आप भी, इसने आज लाइव में बोला आप भी एक माँ होंगी, मतलब ये भारत की उन माओं पे सवाल खड़ा कर दे रही है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ, हम भी माँ हैं, जाहिर सी बात है, और हम कभी नहीं चाहते एक माँ
अपने बच्चों को उठाकर किसी नाजायज रिश्ते में रहकर उसको उससे बाप से अलग कर दे। सही कहा तुमने, हम भी माँ हैं और हम हक रखते हैं उस पिता के लिए बोलने को जिसके चार बच्चे छीनकर तुम अवैध रिश्ते में रह रही हो, जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, केवल अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मजे लेने के लिए, अपने आप की खुशी के लिए तुमने उन बच्चों को ताक पर रख दिया। और हम कभी भी भारत से, गुलाम हैदर ने रिक्वेस्ट किया ना भारत की सरकार से, भारत की जनता से, भारत के लोगों से, तो भारत के लोग ही उस गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिलाएंगे, भारत का कोर्ट गुलाम हैदर को बच्चे दिलाएंगे। आज मैं देख रही थी शायद भाई की लाइव में काफी मायूस से थे और बार बार उनका एक ही सवाल था, क्या गुलाम हैदर को जस्टिस मिलेगा? तो भाई आप जो काम कर रहे हो ना, आपके साथ खड़े हैं, गुलाम हैदर भाई को जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भारत है, भारत किसी के साथ गलत नहीं करता। ये बोलती हमारे योगी जी मोदी जी तो इसको हमारी जूतियां भी नहीं जवाब देना चाहती है। ये हमारे भारत में घुसी है और उसका कारण है कि इसको लप्पू ने शरण दी है और इसकी सजा इसको बहुत जल्द मिलेगी। हमारा कानून देगा, हमारा कोर्ट देगा, हमें पूर्ण तरीके से भरोसा है। इसके पास कुछ नहीं है, ये अब मुश्किल घड़ी में फंस चुकी है, इसके पास बचने का रास्ता नहीं है। आप ये लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको रोका जाए, और अब इसके पास वो रोकने का रास्ता भी नहीं है क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब इसके पास कोई वो नहीं है कि ये भारत के लोगों को रोक सके। कहते हैं ना एक लेवल होता है, उस लेवल तक अगर कोशिश की जाए तो सही, लेकिन अगर लेवल से ऊपर चला जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आज ये दबे मुंह से जवाब दे रही है कि मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती। तुम, हम समझ सकते हैं तुम किन लोगों की बात कर रही हो, क्योंकि हम मेंशन करते हैं तुम्हें, भाई हमारी वीडियो तुम तक पहुंचे। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई उसका नाम ले रहे हो, तो भाई सलाम है आपको, सल्यूट है, बिल्कुल हम इसका नाम लेंगे, इसके नाम से व्यूज भी लेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग देखते हो और इसको धोके निचोड़ के पूरी तरीके से खंगाल कर ना रख दिया ना, तो ये भारत के लोगों की एक प्रण तपस्या, कहते हैं ना हमने एक शपथ ले लिया, तो वो है। गुलाम हैदर को उसके बच्चे जरूर मिलेंगे, भगौड़े और सचिन को इसकी सजा जरूर मिलेगी, और इसका जो परिवार ने किया उसके कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। भगौड़ी के अंतिम दिनों का अब समय शुरू हो चुका है, भगौड़ी अब कहीं की नहीं रहेगी। और कई भाइयों ने मुझसे सवाल किया है क्या एपी सिंह इसे कोर्ट में जाने से रोक रहा है, तो हो सकता है, क्योंकि भाई कोर्ट में जाएगी तो कई राज खुलकर आएंगे ना, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कोर्ट में जाते ही खुल जाएंगे। कितनी कोशिश करेंगे, एक बार नहीं जाएंगे, फिर नोटिस जाएगा, दोबारा नहीं जाएंगे, फिर नोटिस जाएगा, तीसरी बार अरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट बार बार नोटिस नहीं देता, दो या तीन नोटिस में इसका काम हो जाएगा, फाइनली इसे कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और एपी सिंह कब तक रोकने का कोशिश करता है, कब तक स्क्रिप्ट लिखता है, कब तक वो इसमें सफल होता है, ये निर्भया वाला केस है, ये जो लंबा खींच जाए और एपी सिंह इसको खींचता रहे, क्योंकि उसमें एपी सिंह एक केस लड़ रहा था, इसमें एपी सिंह खुद मुजरिम है, वो खुद कटघरे में है, खुद सवालों के घेरे में है। इसलिए जो लोग कहते हैं ये एपी सिंह ने वो निर्भया वाला केस खींच दिया तो इसको भी खींचेगा, तो उस गलत फहमी में आप मत रहिए, क्योंकि चुनाव थे, सरकारें बीजी थी, और गुलाम हैदर के लिए जो लोग परेशान है कि इसको वीजा नहीं मिल रहा है, हो सकता है मोबिन मलिक सर आज ही खबर दें, न दे तो कल मेरा वीडियो, क्योंकि कल आएगा, मैं रात में शूट कर रही हूँ, ये पॉसिबल भी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार गुलाम, कहते ना सब्र का फल मीठा होता, थोड़ी सी और वेट करिए, उसके बाद जो खुशी के पल आते हैं ना, जब हमें घोर दुख होता है किसी चीज को लेके, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है कि अब कुछ अच्छा होगा, उसके बाद थोड़ा सा भी अच्छा होता तो एक सुकून, बड़ा रिलैक्स फील होता है, वो खुशी आपकी जिंदगी में आएगी जब गुलाम हैदर भाई आएंगे और बच्चे मिलेंगे, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि इंसानियत जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। पाप जो ये कहती है मुझसे लोगों को कि पता नहीं क्या दुश्मनी है, लप्पू से मैं घंटों बात करती थी, अगर एक मिनट बात नहीं करती थी मैं परेशान हो जाती थी, मैं प्यार मांगी, अरे बेशरम थोड़ा सा तो शर्म कर ले, तो किस प्यार की बात कर रही है, उन चार बच्चों की माँ होके तुझे प्यार हो गया, तू 24 घंटे इससे फोन में बात करती थी, तू भारत देश को ये सिखा रही है कि इस प्यार की कोई कद्र नहीं करता, तेरी जैसी बेशरम औरतों की जगह है यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, हम तो कहते हैं इसे भारत की जेल में भी ना रखा जाए, इसे सीधे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके साथ क्या करती है क्या नहीं करती ये हमारा मैटर नहीं है। मुझे एक बहन ने कमेंट किया था, रहने दीजिए भाई सीमा हैदर को, हालांकि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैं, वो मेरी बातों से सहमत है, लेकिन फिर भी एक औरत है, औरत का दर्द समझा जाए, तो बहन आपकी विचारधारा मेरी समझ में नहीं आई, सॉरी,
क्योंकि मैं एक माँ हूँ, साथ में एक पत्नी भी हूँ और मैं वो चीजें समझती हूँ, बच्चों का, पति का, पत्नी का दर्द। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और भारत की उस धरती पे जहाँ एक इनलीगल घुसपैठी घुसकर आई है, हम कभी भी नहीं चाहते हैं। एक देश सेवा करने वाली की पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, मेरे पति ने 21 साल देश को दिए हैं और ईमानदारी से अपनी अपना फर्ज निभाया है, हमारे देश की जो जनसंख्या उनकी सिक्योरिटी उठाई है अपने सर पे, तो हम कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अपने देश को हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, ऐसे इनलीगल लोगों को हम अपने देश में घुसकर नहीं आने दे सकते। बहन सॉरी, आप भारत से हो, आपका दर्द समझ सकते हो, आप एक औरत हो, केवल थोड़ा सा अपने दिल को आप उस गुलाम हैदर की जगह रख के देखिए, उन बच्चों की जगह रख के देखिए। अगर आप पत्नी हैं, माँ हैं, तो सीमा हैदर जिस तरीके से अपने बच्चों के साथ उसने क्या अपने पति के साथ किया है, उन बच्चों को अपने देश से अलग कर दिया, अपने पिता से अलग कर दिया, उस परिवार से अलग कर दिया जिसने उसका पालन पोषण किया था। क्योंकि जहां तक हमें पता है और जहां तक सच्चाई सामने आई है कि उसकी बच्चों का पालन पोषण केवल सीमा हैदर की बहन और उसका परिवार करता था, क्योंकि ये भगौड़ी 24 घंटे फोन में लगी रहती थी, जो कि आज इसने बोला है कि मैं 24 घंटे में लप्पू से बात करती थी, अगर एक सेकंड के लिए भी इसका फोन नहीं आता था मैं परेशान हो जाती थी, मैं बेचैन हो जाती थी। ये बयान खुद एक माँ के हैं जो कहती है मुझे मेरे बच्चों से अलग करने वाले लोग मेरा विरोध करते हैं। तो वो माँ कह रही है कि मैं 24 घंटे प्यार में रहती थी। जो माँ 24 घंटे प्यार में किसी 22 साल के या 21 साल के लड़के के चक्कर में रहेगी, तो वो माँ क्या बच्चों की केयर करेगी? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं एंड करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हरिद्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।